प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन किसे कहते हैं? समझाइए, अभी यहां थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। समझाइए यानी आपको डेरिवेशन बनाना पड़ेगी, डेरिवेशन करना पड़ेगी आपको, एक तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जहां समझाइए हो जाता है ना, वहां थोड़ा सा आपको अपने आप प्रश्न को समझना है, क्योंकि हर बच्चा, मैं तो केवल आपको जैसे समझा रहा हूँ तो किताब में या गाइड में या जो भी आपकी बुक के पीछे जो आप क्वेश्चन दिया उसके रिकॉर्डिंग लिखवा दिया। अब प्रश्न उसने कितना घुमा दिया, मैंने अभी तक आपको आंसर कम समझाया, आपको ये चीज बता दी कि आप प्रश्न को बार बार समझना है, कहाँ घर पे भी समझना है। और स्कूल अपन इसलिए आते कि अपन को टीचर का लेक्चर सुनना है, और टीचर जो है क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को तीन तीन चार चार तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, उस बात को समझना है, क्योंकि बुक में इतना नहीं रहता, नहीं तो एक ही बुक इतनी बड़ी बन जाएगा आपके बैग में ही जाए एक ही बुक, या आप छह छह किताबें लाते हो, ये छह बुक की जरूरत ही नहीं भाई। हर एंगल से हर चीज हर जगह अपना अपना इम्पोर्टेंस होता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो डेरिवेशन मैं करा रहा हूँ आपके लेवल से करा रहा हूँ, क्योंकि इनको मैं ज्यादा लंबा यदि बुक में ज्यादा एक्सप्लेन किया होगा इतना सारा करूंगा तो कोई मतलब नहीं, तो उसका प्रश्न इतना पूछा ही नहीं, क्योंकि प्रश्न दसवीं के लेवल के बच्चों का क्या स्टैंडर्ड है उस लेवल से प्रश्न पूछो, उसी में से कट कर देते। तो आपको अलग अलग भाग में मैं बांट बांट के बता रहा हूँ। बोल रहा कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हो, समझाइए। तो अपन लिखेंगे चित्र अनुसार, पहले तो ये कर देना, ये पहला प्रतिरोध का इस तरह से जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये डायग्राम को आपको देखना पड़ेगा। फिर ये सेल ले लो और ये आपकी की ले लो, ये ले लो, ये प्लस और ये माइनस, ये प्रतिरोध हो गया आर वन, ये प्रतिरोध हो गया आर टू, और ये प्रतिरोध हो गया आर थ्री। इनका विभवांतर हो गया V1, इसका विभवांतर हो गया V2, और इसका विभवांतर हो गया V3। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर ये हो गया आपका V। ये ऐसा थोड़ा सा आप कर लोगे तो अच्छा लगेगा। और ये हो गई आपकी I करंट। ये इस तरह से अपन देखो, इस डायग्राम से आप सब कुछ लिख सकते हो। ये पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से आपस में जोड़ा गया है। इसके बाद पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को और तीसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरे को बैटरी सेल ई और कुंजी के द्वारा आपस में जोड़ा गया। इसके बाद धारा आई प्रभावित करने पर प्रतिरोध आर के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1, और फिर दूसरी लाइन में थोड़ा लिखना प्रतिरोध आर टू के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V2 कब धारा आई प्रभावित करने के पश्चात। धारा आई प्रभावित करते समय फिर प्रतिरोध आर थ्री के बीच उत्पन्न विभवांतर V3, माना कुल विभवांतर भी हो। तो अपन लिखेंगे माना तीन प्रतिरोध, मैंने जो आपको ऊपर बोला थोड़ा माना लगा देना स्टार्ट में, थोड़ा अच्छा लगेगा। माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 को मैंने जो भी आपको जैसा बोला था मैं लिखवा दूंगा आपको फिर से। आपको ये चीजें बनाने, क्योंकि एक साथ सब चीजें संभव नहीं होती, डायग्राम भी मैं बता रहा हूँ तो उधर लिखवा हुई डेरिवेशन भी, तो पहले मैंने आपको डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया, जब लिखवाऊंगा तो फिर मैं आपको अलग से कराता हूँ। तो ऐसे ही कहानी आपको बनाना पड़ेगी बेटा कि धारा आई प्रभावित करने पर इनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1 V2 V3 हो गया, कुल विभवांतर VO / ओम्स लॉ। तब ऐसे लिखना तब ओम के नियम से, ये ओम के नियम से बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, एंड V इक्वल टू हो जाएगा IR1। तो या पहले ऐसा लिख लो, फिर लिखेंगे V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। फिर अपन ने क्या लिखा था, कुल विभवांतर
क्या हो वी ऑफ कुल विभवांतर वी हो तो वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। तो ये हो गया V इक्वल टू V1 क्या था आई आर वन, V2 क्या था बेटा आई आर टू, V3 क्या था आई आर थ्री। आई कॉमन ले लो, आई कॉमन ले लिया, बचा आपके पास R1, R2 और ये R3, ये R3 बचा। अब V बराबर क्या होता आई आर होता, तो यह बिंदु यह कैसा ले लेना थोड़े अच्छा, क्योंकि जब अपन नंबर लाना है अपन को तो पूरे नंबर लाने के लिए आपको कहानी थोड़ी अलग बच्चों से हटके लिखना पड़ेगी। कॉपी में जब आपकी कॉपी का जब मूल्यांकन होगा तो कॉपी के मूल्यांकन के साथ साथ आपके नंबरों की मार्किंग का भी अच्छे से मूल्यांकन होगा। तो आपको यहाँ लिख देंगे साइड में V इक्वल टू होता आई आर ऐसा साइड में, तो यहां अपन लिख देंगे आई आर आएगा, फिर आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई कैंसिल तो आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये आपका प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम सही हो जाएगा।